हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दरोगा परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट 31 को। इससे पहले हम लोगों ने 30 मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस किया है और 30 के 30 मॉक टेस्ट में जितने भी प्रश्न रखे गए हैं दरोगा परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप भाइयों में से जिस किसी ने भी पहले के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं किया है, वीडियो को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाएं और पहले के वीडियो को अवश्य देख लें। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला है, जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम हो चुका है कि 25-25 प्रश्नों के सेट देते हैं, तो आज तीसरा सेट है, 51 नंबर से शुरू होगा। तो आज का पहला है, हाल ही में नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? ए VVR सुब्रमण्यम, बी अमिताभ कांत, सी राजीव शर्मा, डी परमेश्वर अय्यर। तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, VVR सुब्रमण्यम, यानी कि नीति आयोग का जो नया CEO नियुक्त किया गया है वह VVR सुब्रमण्यम को किया गया है। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप लोग को पहले से याद होगा, लेकिन जिनको याद नहीं है तो वह याद कर लें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया, कब लाया गया? 1 जनवरी 2015 से। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है, ठीक है, नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। योजना आयोग का गठन यदि कभी आपसे पूछ ले तो 1950 में की गई थी और योजना आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब बात आती है कि नीति आयोग का CEO अलग होता है और उपाध्यक्ष अलग होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अरविंद पनगड़िया थे, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और दूसरे राजीव कुमार, जो आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है राजीव शर्मा यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे उपाध्यक्ष कौन हुए? राजीव कुमार। और तीसरे और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वह सिमन के बेरी है। यह नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी, ठीक है। उसके बाद CEO यदि बात की जाए तो नीति आयोग के पहले CEO सिंधु श्री खुल्लर थे, ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद दूसरे CEO कौन हुए? अमिताभ कांत हुए। तीसरे कौन हुए? परमेश्वर अय्यर, जो आपके विकल्प डी में यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर अय्यर, ठीक है। और दूसरे कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। और वर्तमान में परमेश्वर अय्यर की जगह कौन लेंगे? तो VVR सुब्रमण्यम लेंगे, ठीक है, ले चुके हैं। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग के प्रथम CEO जो है सिंधु श्री खुल्लर, उसके बाद अमिताभ कांत, उसके बाद परमेश्वर अय्यर और उसके बाद वर्तमान में VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 हमारा प्रश्न है, सभी 3-4 प्रश्न जो शुरू में करंट अफेयर्स रिलेटेड है और अब तक भी आप लोगों में से जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है लेकिन हमारा बहुत कुछ बढ़ जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करना चाहिए। एक दूसरे के सहयोग से लोग आगे बढ़ते हैं, आपके सहयोग से मैं बढ़ूंगा, मेरे सहयोग से आप बढ़ेंगे, इसलिए उंगलियों को कष्ट दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। हाल ही में चर्चा में रहा यूक्लिड मिशन किससे संबंधित है? यूक्लिड मिशन किससे संबंधित है? ए ग्रहों के कोर की उत्पत्ति की खोज, बी है चंद्र कक्षा से पृथ्वी का वर्णक्रमीय और ध्रुवमिति माप, सी है ब्रह्मांड में ब्लैक मैटर का अध्ययन करना, डी है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। तो आपको बताना है कि किससे संबंधित है यूक्लिड मिशन। यूक्लिड मिशन का संबंध है विकल्प सी, ब्रह्मांड में ब्लैक मैटर के अध्ययन करने से, ठीक है। यूक्लिड मिशन किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड में ब्लैक मैटर, ठीक है, ब्लैक मैटर या डार्क मैटर का अध्ययन करने से। यूक्लिड मिशन जो है यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA का एक मिशन है।
जिसे डार्क यूनिवर्स की संरचना और डार्क यूनिवर्स के विकास के अध्ययन करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। यह गुरुत्वाकर्षण की भूमिका के साथ साथ डार्क एनर्जी, डार्क मैटर या ब्लैक मैटर, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर या ब्लैक मैटर की प्रकृति पर भी प्रकाश डालेगा। ठीक है, याद रखना है तीन बातें यहाँ पर। एक तो क्या नाम है मिशन का, यूक्लिड मिशन। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अध्ययन किसका करेगा, तो ब्लैक मैटर या डार्क एनर्जी या डार्क मैटर पर अध्ययन करेगा। ठीक है, इन तीन बातों को विशेष रूप से याद रखेंगे। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 53 पर। चालू खाता घाटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चालू खाता घाटा के संबंध में आपको पहला कथन है, यह देश के आंतरिक क्षेत्र के एक प्रमुख संकेतक है। दूसरा कथन है, कम चालू खाता घाटा के अंतर को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। तीसरा है, रेमिटेंस चालू खाता घाटा अंतर को बढ़ाने में योगदान देता है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही है। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों कथन सही है या इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा, इनमें कोई कथन सही नहीं है। तो सही क्या है, आइए इसको जानते हैं। चालू खाता घाटा, ये प्रश्न है आपका। तो एक्चुअली क्या है कि हाल ही में RBI यानी कि जैसा आप जानते हैं भारत का केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI है। तो RBI के द्वारा जारी किए गए आंकड़े के अनुसार चालू खाता घाटा 2022 में 1.2% की तुलना में बढ़कर GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का 2% हो गया है। कहने का मतलब वर्ष 2022 में 1.2% था और अब यह 2% हो गया है। यह आंकड़ा किसने जारी किया है, तो RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसलिए यह प्रश्न जो है कि आप जैसा कि जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में खासकर करेंट से रिलेटेड ही अधिकांश प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आते हैं वह आप इजी वे में बना लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी करेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न रहे उसको आप लिख करके अलग से कॉपी में रखेंगे ताकि वह आपके एग्जाम में सीधे हूबहू छपे। तो ये प्रश्न जो है आपका छपने वाला प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को विशेष रूप से तवज्जो देंगे और याद रखेंगे। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि चालू खाता घाटा होता क्या है, चालू खाता घाटा का मतलब क्या है। बता दें कि जब किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और उत्पादों का मूल्य अधिक हो जाए तो इसके डिफरेंस को, इसके अंतर को चालू खाता घाटा कहते हैं। साधारण शब्दों में यूं कहें कि आयात और निर्यात के बीच का जो डिफरेंस है, कहने का मतलब जितने रुपये का हम निर्यात करते हैं, ठीक है, और उससे ज़्यादा रुपये का यदि हम आयात करने लगते हैं, यानी खरीद रहे हैं ज़्यादा पैसा का, बेच रहे हैं कम पैसे का, तो इसके बीच का डिफरेंस जो है वही चालू खाता घाटा कहलाता है। ठीक है, जो भारत सरकार का पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। पंचायत विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न है, ध्यान देकर के समझेंगे। तो पंचायत विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह स्थानीय संकेतकों पर आधारित एक गणना स्कोर है। दूसरा कथन है, यह पंचायत स्तर पर परिणामोन्मुख विकासात्मक लक्ष्य प्रदान करता है। तीसरा कथन है, यह सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों को मानता है। तो आपको बताना है कि कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, सभी तीनों कथन या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प सी, सभी तीनों कथन जो है कि सही है। सभी तीनों कथन क्या है, सही है। पंचायत विकास सूचकांक के संबंध में जो है कि आपको विचार करना था, तो पंचायत विकास सूचकांक के संबंध में पहला कथन भी सही है कि यह स्थानीय संकेतकों के पर आधारित एक गणना स्कोर है। हाल ही में पंचायती विकास सूचकांक जो है यह जारी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जानकारी हो कि पंचायत विकास सूचकांक की गणना और डेटा स्रोतों की पहचान स्थानीय संकेतकों के रूप में एक ढांचे के लिए की जाती है।
दूसरा बात है कि यह पंचायत स्तर पर परिणामोन्मुख विकास लक्ष्यों को सुविधाजनक बनाए रखता है। तीसरा बात है कि यह सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों पर एक समग्र स्कोर प्रदान करेगा और स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में पंचायतों का मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इस तरह से तीनों कथन सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने भूमि कर की दर को बढ़ा करके 50% कर दिया था? आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने भूमि कर की दर को बढ़ाया और कितना कर दिया, 50%। चार विकल्प है, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर की दर को बढ़ा बढ़ाकर कहाँ कर दिया था, 50% कर दिया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाने, चूँकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अधिकार में बहुत बड़ा परिवर्तन किया था और बड़ा परिवर्तन में आपको कुछ कुछ मूल मूल जो प्राथमिक स्तर की बातें हैं याद रखनी चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने आर्थिक सुधार किया था। ठीक है, आर्थिक सुधार का मतलब पैसे संबंधित सभी प्रकार के बातों में सुधार किया था, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, अस्थाई सेना का प्रबंध किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने और क्या किया, तो घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा। ठीक है, तो इन सारे बातों का प्रबंध किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसके साथ दैवीय अधिकार सिद्धांत जो है वह भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लाया था। निर्माण में देखें तो वृत्ताकार अलाई दरवाजा का निर्माण जो है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था, जो कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इतनी बातें अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड आप अवश्य याद रखेंगे, यह प्राथमिक बातें हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अपना 56 कहता है कि समाज में विज्ञान के प्रचार एवं लोकप्रियता के लिए, इसको फिर से पढ़ लेते हैं, 56 है, समाज में विज्ञान के प्रचार एवं लोकप्रियता, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? विकल्प ए विश्व बैंक, विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विकल्प सी विश्व आर्थिक मंच और विकल्प डी यूनेस्को। तो यहाँ पर विकल्प डी यूनेस्को सही जवाब है, यानी कि समाज में विज्ञान के प्रचार एवं लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किसके लिए दिया जाता है, विज्ञान के प्रचार और विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए। कौन सा पुरस्कार, तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो इन तीन चार बातों को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यानी कोशिका का अंग प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैसा कोशिका का अंग का नाम बताइए जो प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गॉल्जी बॉडी, सी गॉल्जी का या गॉल्जी बॉडी एक ही होता है, सी राइबोसोम या फिर डी क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी राइबोसोम। राइबोसोम से होता है, राइबोसोम भी बोल सकते हैं, राइबोसोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली आर आई बी ओ एस ओ एम ई इसका स्पेलिंग होता है, लोग इसको एस ओ को सो भी पढ़ता है और कभी कभी जो भी करके पढ़ता है, राइबोसोम या राइबोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर राइबोसोम का काम जो है यह प्रोटीन संश्लेषण का होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी हाउस बोलते हैं या ऊर्जा गृह बोलते हैं। गॉल्जी बॉडी का क्या काम होता है कि यह जितने भी कोशिका में काम होता है उसके प्रबंधन का काम करता है। ठीक है, प्रबंधन का, कौन किधर जाएगा नहीं जाएगा, कितने मैटर बाहर से आए, कितने बाहर सप्लाई करना है, इसका प्रबंधन कौन करता है, गॉल्जी बॉडी करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है और बाकी ये तीन जो है दोनों प्रकार की कोशिकाएं में पाया जाता है, जंतु में भी और पादप में भी। और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 हमारा प्रश्न है, सूची एक को दूसरी सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची दो में लेखक के नाम दिए गए हैं। आज तीसरा सेट है जिसमें मैंने इस प्रकार के प्रश्न को शामिल किया है। उद्देश्य यह है कि पुस्तक से रिलेटेड जब कभी भी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए तो नहीं छूटे। नवीनतम जो प्रकाशित पुस्तक है और इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने आपके लिए सेट में शामिल किया है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि दोनों को सुमेलित करना है, ठीक है। सूची एक में पुस्तक है भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक, ठीक है। एक में है अमिताभ कांत, बी है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, और दो में है ए के भट्टाचार्य, तीसरा आपका द गोल्डन ईयर्स, और तीन में है आपका शांतनु गुप्ता, डी है आपका चौथा ग्राफीय उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ, और चौथा है रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करके बताना है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखा है। तो भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक जो है यह दो किसने लिखा है, तो ए के भट्टाचार्य ने। भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक ए के भट्टाचार्य ने लिखा है। अब मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ये अमिताभ कांत की लिखी हुई पुस्तक है। अमिताभ कांत के बारे में आप जान चुके हैं, यह भारत के द्वितीय CEO हैं, ठीक है, नीति आयोग के द्वितीय CEO हैं अमिताभ कांत। इन्होंने क्या लिखा, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। उसके बाद सी है द गोल्डन ईयर्स, इसके लेखक हैं आपका रस्किन बॉन्ड, और अब एकमात्र बचा है डी ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये है आपका शांतनु गुप्ता। तो इस प्रकार से चारों आप याद रखेंगे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको VVVVI करके आप रख सकते हैं। आइए चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 पर। भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य रखें, यहाँ पर अलग अलग होगा दोनों। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है। ए संविधान की उद्देशिका, बी राज्य के नीति निदेशक तत्व, सी मूल अधिकार, डी मूल कर्तव्य, यह किसमें किया गया है, ठीक है। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण रखें, तो इसकी चर्चा जो है मूल कर्तव्य में किया गया है। किसमें किया गया है, मूल कर्तव्य में। अब सवाल आती है कि मूल कर्तव्य में किया गया है तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य भारत के संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान की उद्देशिका, जिसको संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना का से रिलेटेड दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, दूसरा संविधान की प्रस्तावना जो है इसकी भाषा कहाँ से लिया गया। तो मैं बता दूं कि संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसका विचार जो लिया गया यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। विचार कहाँ से, USA के संविधान से, ठीक है। और संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना का विचार USA से यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। दूसरा है आपका राज्य का नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत, इसको DPSP भी कहते हैं, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, राज्य का नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार की बात करें, यह भी अमेरिका से ही लिया गया है। जैसे प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, और मूल अधिकार भी कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन साइट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बताना है कि साइट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, विटामिन सी जो है साइट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ इतना सा कन्फ्यूजन आप लोगों के लिए होगा, जो लोग उत्तर नहीं जानते हैं, ये है वर्ड साइट्रस फल।
साइट्रस फल एक्चुअली अंग्रेजी वर्ड को हिंदी में लिखा हुआ है, साइट्रस फल खट्टे फलों को कहते हैं। साइट्रस फल किसको कहा जाता है? खट्टा फल, जिसको अंग्रेजी में साइट्रस फल कहते हैं, साइट्रस फ्रूट्स कहते हैं, उसको हिंदी में खट्टा फल कहते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि इसका रूटेसी फैमिली, रूटेसी परिवार का यह खट्टा फल होता है, जिसमें नींबू, संतरा, मौसमी, ग्रेपफ्रूट आदि जो है कि आता है। ठीक है, तो साइट्रस फल जैसा जानते हैं आप लोग कि खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कार्बिक एसिड। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 हमारा कहता है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देवराय द्वितीय और गजबेटकर, यानी एक तरफ शासक का नाम है, दूसरी तरफ उसकी उपाधि दी गई है। तो यहाँ पर है कि देवराय द्वितीय गजबेटकर, बी है बुक्का प्रथम, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, सी है बाबर जिल्लेल्लाह और डी है खिजर खां रैयत ए आला। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, बाबर, यानी कि बाबर ने जिल्लेल्लाह की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, बाबर ने जिल्लेल्लाह की उपाधि धारण नहीं किया था। बाकी तीन जो विकल्प है ए बी और डी, यह सही है, यानी कि देवराय द्वितीय ने गजबेटकर की उपाधि धारण किया था। देवराय द्वितीय ने गजबेटकर की उपाधि धारण किया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया और खिजर खां ने भी रैयत ए आला की उपाधि धारण किया। अब आते हैं बाबर पर। तो बाबर ने उपाधि तो धारण किया था, कौन सा उपाधि धारण किया? पादशाह। ठीक है, तो पादशाह की उपाधि भी धारण किया था। दूसरा, बाबर की उसकी उदारता के लिए उसको कलंदर की उपाधि भी प्रदान किया गया था। बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सा उपाधि दिया गया था? कलंदर की उपाधि। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता किसको कहेंगे? बाबर को कहेंगे। बाबर का मकबरा जो है काबुल में है। पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो काबुल में। कहाँ पर? काबुल में, बाबर का। उसके बाद है कि बाबरनामा या तुजुकी बाबरी, एक पुस्तक है बाबरनामा या तुजुकी बाबरी, किसने लिखा? तो बाबर ने खुद ही लिखा है। बाबरनामा की रचना किसने की? बाबर ने खुद ही रचना किया है। यदि पूछेगा कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ठीक है, इतनी बातों को आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि गयासुद्दीन बलबन ने खुद को नियावत एक खुदाई, ठीक ना, जिल्लेल्लाह आप देखना है ना कि जिल्लेल्लाह इसकी किसकी उपाधि थी, इसी बात पर मैं चल रहा हूँ कि गयासुद्दीन बलबन ने खुद को नियावत एक खुदाई, यानी खुदा का प्रतिनिधित्व, और जिल्लेल्लाह यानी ईश्वर की छाया, जिल्लेल्लाह का मतलब ईश्वर की छाया कहा करता था। तो यह गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि है जिल्लेल्लाह। ठीक है, जिल्लेल्लाह या नियावत एक खुदाई, ये सब उपाधि। बलवन को और किस बात के लिए याद करते हैं? लौह एवं रक्त की नीति बलवन ने लाया था। तुर्काने चिहलगानी यानी चालीसा दल को समाप्त किसने किया था? बलवन ने किया था। लाया था कितने? इल्तुतमिश ने। राजत्व संबंधी सिद्धांत की जो व्याख्या है वह किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। राजत्व संबंधी सिद्धांत की व्याख्या किसने किया? बलबन ने। ठीक ना, तो राजत्व संबंधी सिद्धांत की व्याख्या बलबन ने। तुर्काने चिहलगानिया चलिसा दल को समाप्त किसने किया? बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने। जिल्लेल्लाह की उपाधि बलबन ने। नियावत एक खुदाई की उपाधि बलबन ने। इन सारी बातों को भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश क्या कहलाता है? ए परमादेश, बी प्रतिषेध, सी उत्प्रेषण, डी अधिकार परीक्षा। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका उत्प्रेषण। क्या है? सर्डियो ररी। अधीनस्थ न्यायालय को लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश उत्प्रेषण या सर्टियोरियोरी कहलाता है।
जैसा आप लोगों को पता होगा, नहीं तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, कितना अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, याद रखिएगा। एक होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। दूसरा है मैंडमस परमादेश। तीसरा है प्रोहिबिशन प्रतिषेध। चौथा है सर्टियुररी उत्प्रेषण। और चौथा है क्यू वारंटो, यानी अधिकार प्रेक्षा। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, उत्प्रेषण दिया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय को लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए वरिष्ठ यानी ऊपर के न्यायालय के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है, उसको उत्प्रेषण सर्टियोररी कहा जाता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63वां हमारा प्रश्न है, जब धनापूर्ति जो है, जब धन की आपूर्ति उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं। ये प्रश्न है आपका कि जब धनापूर्ति उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं से अधिक हो तो उसे कहते हैं। ए मुद्रास्फीति, बी परास्फीति, सी अति अवस्फीति और डी अवस्फीति। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए मुद्रास्फीति। जब धन की आपूर्ति उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं से अधिक हो, ठीक है, जितनी भी वस्तु और सेवा उपलब्ध हैं उससे ज़्यादा जब धन हो जाए, पैसा हो जाए, ठीक है, तो उसको, उस स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मूल रूप से एक ही बात समझें, जब पैसा ज़्यादा हो गया तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में लिखा हुआ है, जब धनापूर्ति उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं से अधिक हो तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। एक सरल भाषा, सरल शब्दों में समझिए कि जब, जैसे कि आप पूरा झोला में भर के पैसा ले जाएंगे तो आप पॉकेट में सामान खरीद कर लाएंगे, ठीक है, इसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 हमारा कहता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की कब की गई थी। करीब 10 12 15 आयोग की स्थापना कब हुई, इस प्रकार के प्रश्नों को आप याद रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न लगातार दरोगा परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, तो यह प्रश्न जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1992 में, 1995 में, 1990 में, 1996 में। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में, तो याद रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। निम्नलिखित में से किसे लोकायत दर्शन का संस्थापक कहा जाता है। लोकायत दर्शन, आप लोगों ने बहुत सारे दर्शन का चर्चा सुना होगा, जैसे न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी दर्शन है उसमें से एक लोकायत दर्शन भी है। तो लोकायत दर्शन का संस्थापक किसको कहते हैं? ए गौतम, बी कपिल मुनि, डी कन्नड़ और डी बृहस्पति। आपको बताना है कि किसे लोकायत दर्शन का संस्थापक कहते हैं। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा, बृहस्पति, ठीक है। लोकायत दर्शन का संस्थापक बृहस्पति को कहा जाता है। एक्चुअली चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन दोनों एक ही है, ठीक है, यानी चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और चार्वाक विचारधारा की जो नींव है किसने दी? मुनि बृहस्पति ने रखी थी। चार्वाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन कहा जाता है और चार्वाक दर्शन का जो विचारधारा है इसके नींव मुनि बृहस्पति ने रखी थी। चार्वाक दर्शन का उल्लेख वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। चार्वाक दर्शन का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? वेदों में भी मिलता है और बृहदारण्यक जो है उपनिषद में भी मिलता है। अब यदि बात करें गौतम मुनि की, तो गौतम मुनि ने न्याय दर्शन को प्रस्तुत किया था, ठीक है, यानी न्याय दर्शन का संस्थापक यदि आपसे पूछा जाए तो गौतम मुनि हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कपिल मुनि की यदि बात करें तो सांख्य दर्शन किसने प्रस्तुत किया था? कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन किसने प्रस्तुत किया? कपिल मुनि ने, ठीक है।
यदि पूर्व मीमांसा पूछा जाए तो जैमिनी ऋषि, पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन या अष्टांग योग दोनों में से ये अष्टांग योग भी लिखा हुआ मिल सकता है, योग दर्शन भी लिखा हुआ मिल सकता है और अष्टांग योग भी, तो योग दर्शन कहे या अष्टांग योग कहे पतंजलि, और न्याय गौतम, कपिल मुनि सांख्य दर्शन। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पर। हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन अपने नाटकों यायाति और तुगलक के लिए जो है सबसे अधिक जाने जाते हैं। दो नाटक है यायाति और तुगलक, इसके लिए किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर चार विकल्प है, बीजू खोटे, श्रीराम लागू, गिरीश कर्नाड और मोहम्मद जहूर खय्याम। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है गिरीश कर्नाड सही विकल्प हो जाता है। नाटक यायाति और तुगलक के लिए गिरीश कर्नाड को जाना जाता है। यह साउथ इंडियन के लिए मूवी में भी काम करते हैं और यह साउथ इंडियन मूवी के लेखक भी हैं गिरीश कर्नाड। तो इनका यायाति और तुगलक जो है काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अधातु ठीक है सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में, कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ए है एस्टेटिन, बी है फ्लोरीन, सी है ब्रोमीन और डी है आयोडीन। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो सही जवाब है ब्रोमीन। कौन सा? ब्रोमीन जो है कि साधारण वातावरण में भी वो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि तीखी गंध, कैसा होता है? तीखी गंध, लाल भूरे रंग और तरल रूप में पाया जाने वाला क्या है? अधातु है। यह प्रकृति रूप से पाया जाने वाला एक हैलोजन है। हैलोजन जैसा कि आप जानते हैं आवर्त सारणी के 17वें जो है कि वर्ग में स्थित कुल 5 तत्व है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो यह 5 तत्व है, फिर से सुन लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है, ब्रोमीन का संकेत Br होता है, परमाणु संख्या 35 होता है। ठीक है, और द्रव्यमान की यदि बात करें तो 79 है। तो इस प्रकार से ब्रोमीन के बारे में सामान्य परिचय याद रखेंगे। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 68 पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार, कितनी बार? तीन बार दो धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे चलकर, आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। आपको नदी का नाम बताना है कि जो तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और फिर जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम जो है द्वीप का निर्माण करती है। ए कावेरी, बी तुंगभद्रा, सी कृष्णा, डी गोदावरी। यहाँ पर विकल्प ए जो है कावेरी बिल्कुल सही जवाब है कि कावेरी नदी की जलधारा जो है वह तीन बार दो धाराओं में बट जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार से कावेरी नदी से श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम जैसे द्वीपों का निर्माण होता है। तो यह आप याद रखेंगे। बड़े प्रश्न को मैंने जानबूझकर, छोटे प्रश्न को बड़ा बनाकर लिखा है ताकि अधिक से अधिक डॉट आपका क्लियर हो सके और जानकारी प्राप्त हो सके। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। 69 प्रश्न हमारा कहता है कि वर्तमान तिरंगे के मध्य भाग में अशोक चक्र किस महान व्यक्ति ने लगवाया था? वर्तमान तिरंगे के मध्य में अशोक चक्र है, यह हम आप सभी जानते हैं। अशोक चक्र से पहले मध्य में चरखा हुआ करता था, ठीक है। तो चरखों को रिप्लेस करके बीच में अशोक चक्र किसने लगवाया, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। विकल्प ए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बी पिंगली वेंकैया, सी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना है कि अशोक चक्र किस महान व्यक्ति ने लगवाया था। विकल्प ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। वर्तमान तिरंगा के मध्य में अशोक चक्र जो है कि भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था, ठीक है। यदि यहाँ पर मैं पिंगली वेंकैया की बात करूँ तो इन्होंने वर्तमान झंडे का जो डिजाइन आप देख रहे हैं यह पिंगली वेंकैया के द्वारा ही तैयार किया गया है, ठीक है।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 हमारा प्रश्न कहता है, कौन सा जानवर एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है? कौन सा जानवर है जो एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है? ए कुत्ता, बी छिपकली, सी गिरगिट और डी नेवला। तो विकल्प सी जो है गिरगिट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गिरगिट एक ऐसा जानवर है जो एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है, आगे भी और पीछे भी। एक आँख से यदि वह आगे देख रहा है तो दूसरे आँख से वह पीछे देख सकता है। इस प्रकार का जो गुण है यह गिरगिट में पाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। 71 हमारा प्रश्न कहता है कि विश्व भर में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, बी है 15 सितंबर को, सी है 15 मार्च को, डी है 24 दिसंबर को। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। यदि 24 दिसंबर की बात करी जाए, ठीक है 24 दिसंबर का, तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। याद रखेंगे इस प्रश्न को भी आप कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को, जबकि विश्व भर में उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को क्या है भैया जी? तो अंबेडकर जयंती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को है। और 15 सितंबर को क्या है? तो इंजीनियर्स डे है, ठीक है। तो इंजीनियर्स दिवस जो है यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 हमारा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसने अनेकता में एकता का विचार प्रस्तुत किया था? किसने अनेकता में एकता का विचार प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने अनेकता में एकता का विचार जो है प्रस्तुत किया था। एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, ठीक है। कौन से पुस्तक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ठीक है। तो उसी बुक में उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि भारत जो है विविधताओं से भरा है और यहाँ अनेकता में एकता है। इस मुहावरे का प्रयोग जो है अनेकता में एकता के बारे में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने किया है। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। कहता है कि किस नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को खून की नदी के नाम से? ए दिहांग, बी काली, सी तिस्ता और डी लोहित। तो यहाँ पर विकल्प डी लोहित सही जवाब हो जाएगा कि लोहित नदी को खून की नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली लोहित नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी में ही विलीन हो जाती है। इस प्रकार से लोहित नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसको खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है और किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी है। कहाँ में मिल जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में आकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन से युग्म सही सुमेलित है। एक है आपका इडुक्की तापीय शक्ति गृह, बी है सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, सी है घटप्रभा सिंचाई परियोजना है और चौथा है रामगंगा जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है। आपको बताना है कि सही सुमेलित है। अच्छा, यहाँ पर कूट दिया हुआ है कि 2, 3 और 4, बी में है 1, 2, 3, 4, यानी चारों कूट सही है। उसके बाद आपका विकल्प सी कहता है कि सिर्फ और 3 और 4 सही है और विकल्प डी कहता है कि नहीं केवल 1 और 2 सही है। तो कौन सा सही होगा आपको यहाँ कूट के हिसाब से बताना है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका इडुक्की तापीय शक्ति विद्युत गृह के अलावा जो ये 3 दिया गया है ये तीनों सही है। सबरी गृह जो है यह जल विद्युत परियोजना है, ये सही है। घट प्रभा जो है घाट प्रभा या सिंचाई परियोजना है, यह भी सही है। राम गंगा जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, यह भी सही है। अब बात आती है कि इडुक्की में गलत क्या है। यह तापीय थर्मल, तापीय का मतलब थर्मल पावर एनर्जी हाउस जो है कि नहीं है, बल्कि ये है क्या,
तो इडुक्की जो है यह नदी घाटी जल विद्युत परियोजना है। कैसा है? नदी घाटे जल विद्युत परियोजना है, तापीय शक्ति गृह नहीं है। यदि इसमें नदी घाटे जल विद्युत परियोजना लिखा रहता तो ये सही होता। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है? तापीय शक्ति गृह, तो ये गलत है। ठीक है, आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम अपना प्रश्न जो है 75 नंबर, कह रहा है कि गतिमान कार पर, जो कार रोड पर चल रहा है, गतिमान कार पर सड़क द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? ए आरोपित बल, बी तनाव बल, डी लंबित लंबवत बल और डी है घर्षण बल। तो आपको बताना है कि कौन सा बल जो है गतिमान कार पर जो है कि सड़क के द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पर एकमात्र बल सड़क के द्वारा कार पर लगाया जाता है और उसका नाम है घर्षण बल। ठीक है, यदि घर्षण बल का मान 0 हो जाए तो कार आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से गतिमान कार पर जो सड़क के द्वारा बल लगाया जाता है वह घर्षण बल है। इस प्रकार से बने रहिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के लिए शाही पाठशाला के साथ, और पहले के वीडियो को जाकर के अवश्य देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, कंजूसी मत कीजिए भैया जी, लाइक जरूर कर दिया कीजिए। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।